तेजाब पीड़ितों के साथ एक बड़ी विडंबना है कि समाज के लोग उनको उनके फेस से ही बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि इन लड़कियों को लगा कि हमारी लाइफ में अब कोई मतलब नहीं रह गया है, और जिसके लिए हम लोगों ने पिछले साल कोशिश की कि ये महिलाएं भी जिस तरह से आम लोग हैं वैसे ही ये भी हैं और स्वावलंबी बने, जिसके रूप में रेड जो है कि एक्सनेट के सहयोग से फिर हम लोगों ने ऑरेंज कैफ़े का जो है कि निर्माण किया। पिछले साल जैसे ही हम लोगों ने 14 फरवरी को ओपन किया, उसके एक महीने बाद लॉकडाउन हो गया, लेकिन ये कैफ़े जो इन लड़कियों ने और हम सब ने मिल के खोला है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम समाज में तेजाब से लेकर के जो मनोवृत्तियाँ हैं उसको लेकर के हम जागरूक करें और सामाजिक काम करें, जिसके बाद हम लोगों ने पिछले साल लगातार 6 महीने तक पूरे बनारस में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैदल आ रहे थे माइग्रेंट लेबर सड़कों पे पैदल, उन सबको इन बहनों ने जो है कि 16,000 के करीब पैकेट बांटे। पिछली बार हम लोगों ने पूरी तरह से जनरलाइज कर दिया था कि जिसको भी भोजन चाहिए, क्योंकि बहुत कड़ा लॉकडाउन था जिसके वजह से सबकी आजीविका पे संकट, वो चाहे रिक्शा खींचने वाले हों या डेली जो कि वेजेस वाले लेबर हैं वो हों, और या फिर यहाँ पे एकल महिलाएं हों, ये तमाम लोग जो है कि सबको आजीविका के संकट थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने टारगेट किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले तो शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है कि मरीज निकलना शुरू हुए, और उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि बनारस के जो लोग हैं उनके घर से तो खाना आ जा रहा है, लेकिन जो बनारस के दूसरे ज़िलों से हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ या बिहार के तरफ से, चंदौली की, सोनभद्र, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ये तमाम जो है कि इनको भोजन की बड़ी दिक्कत होती थी कि आखिर बनाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। और फिर जब ग्रामीण क्षेत्रों में ढेर सारी ये दिक्कतें शुरू हुई, तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, अब हम लोग हॉस्पिटलों में जा कर के जो तीमारदार है सबसे पहले हम लोग उनको देंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि किसी को भी भोजन की आवश्यकता है तो वो जो है कि हमें कॉल करें। और इस पूरे काम में सहयोग मिला चौकी इंचार्ज दुर्गा कुंड के श्री प्रकाश सिंह जी का, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और उन्होंने ही पहले चिन्हित करना शुरू किया और फिर आज हमारा भोजन जा रहा है। आज हमारे पास रोज़ दर्जनों की संख्या में कॉल आते हैं, हम उनको नोट करते हैं और नोट करने के बाद में हम तक खाना पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। हमारे जो BHU के जितने स्टूडेंट हैं ये वॉलंटियर हैं, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से लगातार जुड़ करते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमने सुरक्षा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, तो हम यहाँ पर आप पिछले 5 सालों से रेड ब्रिगेड तेजाब पीड़ितों के साथ काम कर रहा है, उनके कंपेंसेशन को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी आज तक इनको ना तो कंपेंसेशन मिल पा रहा है टाइम से, और न ही इनके इलाज को। आप देख रहे होंगे संगीता है हमारे साथ, संगीता को आज तक जो है कि कंपेंसेशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनकी अपनी जीविका, क्योंकि दवा के लिए इन्होंने पूरे पैसे खर्च कर दिए थे। तो पिछले 5 साल में जितने भी एडसिड सर्वाइवर समय मिला, उनकी एक बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, मेरी आजीविका कैसे चलेगी। तो उस आजीविका को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक जो है कि योजना बनाई कि कई लड़कियां मिल करके, और अगर एक रेस्टोरेंट खोलें, क्योंकि एक चलता बिजनेस है और सामाजिक रूप से लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इस कैफे की सबसे विशेष बात है कि इसका मालिक कोई एक्सनेट नहीं है, इसका मालिक कोई रेड ब्रिगेड नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसके मालिक जो हैं कि यही तेजाब पीड़ित लड़कियाँ हैं जो डिसीजन लेती हैं और तमाम चीज़ें करती हैं। हम लोग देख रेख करते हैं, हम लोग के अनुभव हैं सामाजिक, हम लोग इनको सिखाते रहते हैं, जब ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे फिर हम लोग धीरे धीरे बैक हो जाएंगे और फिर एक दूसरी जगह इसी तरह के इस हम लोग ओपन करेंगे। मेरा नाम संगीता है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे साथ एक घटना हुआ था मई में 2018 में हुआ था, ये हमारे साथ वन साइड लव था। रात में सोते समय, रात में एक लड़का था गांव के, वो आया रात में 12 बजे, हमारे ऊपर, हमारे मम्मी के ऊपर एसिड डाल दिया गया। क्या हो जाती सर? वन साइड लव था। अब क्या कर रहे हैं सर? अब हम यहीं दौरंज कैफे में एफएनएट और रेड ब्रिगेड जुड़ के उन सब के साथ में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ? हम मतलब काम करते हैं रेड दौरंज कैफे में,
यहाँ हम सब ओनर भी हैं, यहाँ काम भी करते हैं और यहाँ का मालिक भी है। काल में मतलब भोजन जब हॉस्पिटल में और मजदूरों को जो सड़क पे चल रहे हैं और जो कार रोड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं उन लोगों को भोजन पहुँचाने का। चार से पांच लोग, पांच छह लोग हैं यहाँ से। क्या क्या बनाती हैं? यहाँ हमारे यहाँ हर मेल का खाना बनता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी हो गया और हर रकम को रोज रोज मेल मेल का खाना बनता रहता है। सुबह 8 बजे से शुरू कर देते हैं, लगभग 12 बजे तक यहाँ से खाना हम पहुँचा देते हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ 100 पैकेट देते हैं और 200-300 ऐसे पैकेट जाता है। ये कहाँ से इस तरह का मन में आया कि इस तरह की सेवा करने का कैसा महसूस होता है? ये सब कोरोना काल में पहले जब दूसरी पहली लहर आई थी, हम सब 16,000 पैकेट खाना बांटे थे लोग को, मजदूरों को। और फिर जब दूसरी बार आया तो हम सब फिर बैठक हुआ सबके सेल लोग से और ये हुआ कि लोग को, मरीज लोग को और मजदूर लोग को खाना पहुँचाया जाए, उनको लोग को दिक्कत हो रहा है दूसरी लहर में। ऐसे में और महिलाओं क्या कहना चाहेंगे, जो महिलाएं ऐसी जली हुई हैं बाहर निकलने में सोचती हैं, उन बहनों क्या कहेंगे आप? उन सारे बहनों को हम ये कहना चाहते हैं कि कोई डरे ना और बाहर निकलें, अपना हौसला बढ़ाएं। मेरा नाम प्रीति सरोज है, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ और मैं रेड ग्रेस से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और इस कैफ़े में मैंने रेड ब्रिगेड से जुड़ के और यहाँ पे ऑरेंज कैफ़े में इस कोरोना काल में यहाँ पे हेल्प करने के लिए मैं आई हूँ। और रेड ब्रिगेड से मैंने पहले 2 साल पहले जुड़ा है, इसलिए जुड़ा है कि ताकि मैं अपनी सुरक्षा में खुद कर सकूँ और दूसरी भी लड़कियों को प्रेरित कर सकूँ ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और इस समय कैफ़े में जो गरीब मजदूर है, कोविड पेशेंट हैं, उन लोग के लिए भोजन समय से पहुंचाना और समय से भोजन पहुंचाने के लिए और फिर खाना बनाने में और कैफ़े में पैकिंग करने में इस तरह की हेल्प करती हूँ। माय नेम इज़ नम्रता अधिकारी, आई एम अ बीएचयू स्टूडेंट। एक्चुअली जब हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट पे देख रहे थे तो बहुत लोगों को फूड शॉर्टेज हो रही थी, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू अ प्रायोरिटी लिस्ट लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग जो बीएचयू स्टूडेंट का एक ग्रुप है और हम लोग ऑरेंज कैफे जो एसिड अटैक सर्वाइवर फीमेल्स हैं उनके साथ वर्क कर रहे हैं साथ में, और हम लोग कोविड पेशेंट्स और जो उन लोग के साथ अटेंडेंस है वो प्रायोरिटी लिस्ट है जिन्हें हम फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो कुछ बीएचयू के अराउंड या बीएचयू कैंपस में रिक्शा वाले और जिन्हें फूड शॉर्टेज है करेंटली उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, इनिशियली जब फर्स्ट लॉकडाउन था तो ऑब्वियसली सबको डर था, बट अब बिकॉज जो भी मेजर्स हैं हम लोग ले रहे हैं, लाइक रेगुलरली सैनिटाइज रहते हैं, डबल मास्क यूज़ कर रहे हैं और फेस शील्ड यूज़ कर रहे हैं और वही सिंपल घर जाके सैनिटाइज करो एंड टेक अ बाथ, वॉश, हैंड वॉश करना। इस तरह का कार्य करने से किस तरह की फीलिंग आती है? इनिशियली सबको डर था ऑब्वियसली, बट जब हम लोगों ने पेशेंट्स को देखा या उनके अटेंडेंस को देखा जिन्हें फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा है और जब हम लोगों ने फूड प्रोवाइड करते तो सब लोग खुश है, तो ऑब्वियसली ऐसे जब वो लोग खुश होते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से काम करने का।